लिस्ट नहीं बताओ जन काम को नहीं हो बिरा तारजान का कई कलाकार माखन आएगा और कई गिया परा एक वैकेंसी कर दू मैं एक वैकेंसी और 500 नाम आया कर मारकन है एक आदमी की वैकेंसी कर दू और 500 आदमी का नाम आवे और एक कलाकार थर्ड जी की वैकेंसी कर दू मैं कुत्तों को कुत्तों की भाषा में समझाता हूं मैं और कुत्ते मेरे है ना ये नौकरीदार ये कुत्तों की ही भाषा में समझते हैं अपने ही सिस्टम से चलता हूं मैं और इसीलिए मैं सक्सेस हूं फुलचंद थारो हिसाब लेर घर जाता नहीं जब नहीं ये डायलॉग पिछले 6 महीने में राजस्थान में खूब वायरल हुआ और वायरल होते हुए ये बात कहने वाले भगवा पहने हुए एक शख्स जिसका नाम कुशाल गिरी महाराज बताया जाता है वैसे नागौर में विश्व स्तरीय गौशाला चलाते हैं और गायों के लिए आईसीयू से लेकर एम्बुलेंस और उसकी सेवा में 300 से ज्यादा लोगों की टीम लगी रहती है लेकिन कुशाल गिरी को सबसे ज्यादा पहचान गौशाला ने नहीं उनके इस डायलॉग और अंदाज ने दिया है दरअसल कुशाल गिरी का जन्म नागौर जिला मुख्यालय के राठौड़ी कुआं मोहल्ले में हुआ जय नारायण सांखला में घर जन्म हुआ और माली जाति से ताल्लुक रखने वाले कुशाल सिंह सांखला 5वीं पास है उनके इतिहास पर नजर डालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पावर और धमक की चाहत उनको हमेशा से रही है शुरू से ही कुशाल सिंह सांखला नागौर में बजरंग व्यायाम नाम से अखाड़ा चलाते थे जहाँ लोगों को मल युद्ध से लेकर लाठी चलाने जैसी चीजें सिखाई जाती थी और इनका विवाह नागौर जिला मुख्यालय के नया दरवाजा के कक्कू वालों की पोल में हुआ मां मंडलेश्वर की उपाधि लिए भगवा पहने और प्रवचन देते कुशाल गिरी को देखकर कई लोगों को लगता है कि वो शायद अविवाहित है लेकिन ऐसा नहीं है कुशाल सिंह सांखला के 4 बच्चे हैं 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं एक बेटी देवी ममता के नाम कथावाचिका है और दूसरी लड़की मोनिका जो अभी पढ़ाई कर रही है 2 लड़कों में एक महेंद्र और दूसरा मूलचंद सांखला है जो घर का कामकाज संभालते हैं बताया जाता है कि साल 2013 में प्रयागराज में उनको मां मंडलेश्वर की उपाधि मिली थी और जूना अखाड़ा की ओर से प्रयागराज कुंभ के समय ये उपाधि दी गई है कुछ लोगों का कहना है कि कुशाल गिरी जब अखाड़ा चलाते थे तब वो शिवसेना और बजरंग दल जैसे संगठनों से भी जुड़े हुए थे एक बार कुछ लोग गायों की तस्करी कर रहे थे तो कुशाल गिरी ने अपने लोगों की मदद से उन गायों को छुड़ाया उन्होंने जिस बहादुरी से गायों को छुड़ाया और बाद में आगे मामले को संभाला इलाके में उनका नाम और चेहरा चमक गया लोगों का कहना है कि उस घटना के बाद कुशाल गिरी ने लोगों के सामने गौशाला और गायों की सेवा का मुद्दा उठाया जिस पर भामाशाह ने भी भरपूर मदद की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वामी कुशाल गिरी महाराज को 2008 में पाली के पास देसुरी के एक घायल गाय की बछड़ी मिली वो उसे नागौर ले आए और इलाज करवाया उसे स्वस्थ किया उसके बाद लगातार घायल पशुओं की सेवा करते रहे और 2008 में मिली उस बछड़ी का नाम नंदा कामधेनु रखा गौशाला में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी हाल ही में कुछ महीने पहले नंदा कामधेनु की मौत हो गई जिसके बाद भव्य शोभा यात्रा के साथ उसकी अंतिम यात्रा भी निकाली गई नागौर में विश्व स्तरीय गौशाला चलाने वाले कुशाल गिरी महाराज विवादों से भी जुड़े रहे करीब 4 साल पहले गौशाला में ही काम करने वाली एक युवती ने दुष्कर्म के आरोप लगाए थे जिसके बाद शिकायत दर्ज होने के बाद ये बताया गया कि कुशाल गिरी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी और बाद में कई दिनों तक जोधपुर में इलाज भी चला था पहले कुशाल गिरी महाराज को गोसेवक के नाम से जानते थे और फिर मां मंडलेश्वर और अब बोस के नाम से जानते हैं